हेलो जी नमस्कार सलाम सस्काल विश यू और अ वेरी वॉर्म वेलकम टू तो दिस वंडरफुल चैनल आकाश बायजूज नीट यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल भारत का अपना एजुकेशनल चैनल और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के बायो की रणनीति वेल बायो की रणनीति क्या है बायो की रणनीति ये कहती है कि एकदम फोकस्ड रहना है एनसीआरटी पर और लाइन बाय लाइन बाय हार्ट याद करनी है और समझनी है। है यही मकसद है हमारी इस सीरीज का कि इसके अलावा आपको और कुछ भी ना करना पड़े इतने बेहतरीन तरीके से एनसीआरटी की हर स्टेटमेंट आप तक पहुंचाई जाए कि वो आपके दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाए तहे दिल से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जरूर आते रहने चाहिए आपके साथ साथ पे मैं लगातार नजर बनाए हुए हूं आई होप आप सब लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बिल्कुल जी क्लियर है सब देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बताइए जी चैटबॉक्स में एक बार मुझे आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं क्या हम लाइव हैं आपके साथ बताइए जी, clear, perfect, जी, तो आगे फिर? जी मुझे, मुझे मुस्कान आरती स्वरूप पियाली इकरा कौस्तभ राकेश मौर्य डॉक्टर भूषण माइकल ग्रेट चलो जी ऑल माई राजा बेटा रानी बेटियां सबसे पहली और अहम बात कि आपको ये टेलीग्राम ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइन कीजिए रणनीति मटेरियल शेयर करते हैं हर सेशन का पीडीएफ शेयर करते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स मतलब योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स रिलेटेड टू नीट बायो की रणनीति से पहले पहले इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट क्या है जी आपको एनिमल किंगडम एल वन सेशन आपने जरूर अटेंड करा हो

ठीक है जी हर चीज क्लास में ही साथ के साथ के टिप्स पे हो जानी चाहिए अपनी सारी एनर्जीज को जागृत कर लीजिए फोकस्ड रहिए कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए आपके रूम में ग्यारहवीं क्लास की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए कागज कलम आपके पास होना चाहिए कलर्ड पेन पेंसिल्स जितने आप हैंडल कर सकें वो आप अपने साथ रखिएगा

तो भाई स्टार्ट करें फिर आर्थ्रोपोडा से बताइए वेल well, जो ऑर्गेनिजम्स आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जरा इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए आपको कॉकरोच नजर आ रहा है जिसे हम पेरिप्लेनटा कहते हैं आपको डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन बिच्छू नजर आ रहा है एक मिलीपिड भी नजर आ रही है जायंट कोकोनट क्रैब कितना बड़ा है भाई कोकोनट जैसा ब्लैक विंडो स्पाइडर क्या आप मुझे इन सब में कुछ कॉमन बात बता सकते हैं बताइए जी स्वरूप मोहम्मद अदनान अदनान कैसे हो मोहम्मद इतने दिनों से तुम्हारा मन था कि सर तुम्हारा नाम ले चलिए जी आज हमने आपको खुश कर दिया लेकिन अब आप भी प्रॉमिस कीजिए कि, कि किसी किस्म की बदतमीजी आप क्लास में नहीं करेंगे एक सिंसियर स्टूडेंट बन के रहेंगे उसी में फायदा है आपका ठीक है मेरे बच्चे भव्या है भव्य ने सही बात पकड़ी भव्य से ये ना बात तो राजा बेटा इन सभी में jointed appendages हैं और jointed appendages होने के कारण ही हमने इनको आर्थ्रो में रखा है आर्थ्रो मतलब jointed and poda मतलब appendages. So, jointed appendages यानी आर्थ्रो किसका जिक्र हो रहा है फाइलम आर्थ्रोपोडा का ठीक है मेरे बच्चे डॉक्टर मार्तन दीक्षा भव्य अंबुज क्लियर आर्थ्रोपोडा समझ आगे? चलो आर्थ्रोपोडा ना पूरी एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच इज लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इट इज आर्थ्रोपोडा काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है और आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है इंसेक्ट्स की आर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड एंड पोडा मतलब लेग्स जॉइंटेड अपेंडेजेस होने के कारण एक मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को यह सवाल पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का वो है जी आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स है? हैं इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जैसे हम बोल देते हैं ना इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं अनुराधा सही बात है काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है इनमें ठीक है जी स्वरूप ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स जितनी भी धरती पे स्पीशीज हैं जिनका कि नामांकन कर दिया हमने टू थर्ड जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं अब आप इनके फीचर्स की अगर बात करें तो जितना हमने प्लेटी हेलमिंथस में पढ़ा था भाई बाइलेट्रल सिमेट्री तो ये ट्रली सिमेट्रिकल है है ना ये भी triploblastic है ट्रिप्लो सिमेट्रिकल है एनिमल्स है सीरोन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इससे पीछे जो NLIDA पढ़ा था माइकल शर्मा एंटोमोलॉजी के स्पेलिंग गलत है तुम्हारे ए से शुरू नहीं होते ई e से शुरू होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो की एनएलिडा में भी है बायोलेट्रल सिमेट्री है बिल्कुल ठीक बात है बायलेट्रल सिमेट्री का मतलब शरीर को दो भागों में बराबर बांटा जा सकता है बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सेज ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज बाइलेट्रल सिट्री

तभी आपको एनिमल किंगडम एक अच्छे तरीके से याद होगा अदरवाइज याद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा का अगला फीचर क्या है दैट द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो पॉलीसेकेराइड काइटिन से बना हुआ है जिसके कारण ये एनवायरमेंटल कंडीशंस का इनके ऊपर आसानी से असर नहीं पड़ता कई बार ये भी पूछ लेते हैं मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स कौन से हैं भाई पूरी एनिमल किंगडम में तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोड्स क्यों हैं आर्थ्रोपोड्स क्योंकि काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने के कारण एनवायरमेंटल कंडीशंस का इनके ऊपर इतनी आसानी से फर्क नहीं पड़ता है ओके ये मैंने पहले भी बताया कि शरीर इनका हेड थॉरक्स एंड एबन में डिवाइडेड है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तो नहीं, है, तो नहीं पढ़ना है इसलिए चिंता मत जी, अगला फीचर बताते हैं आपको ज्वाइंटेड अपेंडेजिस कॉकरोच के केस में भी पढ़ा है ना आपने कॉकरोच में कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए दीजिए जल्दी से कॉकरोच के केस में कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं

कुछ आर्थ्रोपोड के केस में ट्रैकियल ट्यूब होती है पूरे शरीर में जैसे कि इंसेक्ट्स कुछ में बुक गिल्स होती हैं जैसे कि किंग क्रैब जिसे हम लिमुलस भी कहते हैं एनसीआरटी ने उसे लिविंग फॉसिल कहा है लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पिछले कई सालों से कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है इनफैक्ट कॉकरोच को भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है ठीक है ये देखो जी बुक लंग्स दिखाए हुए हैं आपको बुक लंग्स स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में पाए जाते हैं ये बुक गिल्स है किसमें हैं किंग क्रैब में लिम्बुलस कहते हैं जैसे किंग क्रैब और लिमुलस जो होता है आ, इसको लिविंग फॉसिल भी कह देते हैं एक खास बात बताऊं आपको ये रही हॉर्स शू क्रैब को लिविंग फॉसिल कहते हैं लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है ऑर्गेनिजम्स विच हैंडरगोन एनी मेजर इवोल्यूशनरी चेंज इन द पास्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं इवोल्यूशन में आपको बताऊंगा जिन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है किसी भी फाइलम को पढ़ते समय बेसिक बातें तो हम बता देते हैं सिमिट्री कैसी है उनका रहन सहन कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है भाई कंप्लीट है 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 में डेफिनेट डेफिनेट माउथ एनस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे रेस्पिरेटरी तो बता दिया हमने कि अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है एनलिडा फाइलम जो पढ़ा था इससे पहले उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड था दैट ब्लड फ्लोज इन डेफिनेट ब्लड वेसल्स है ना

As compared to the closed circulatory system.

जिससे सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को वो चेक कर लेते हैं स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है बैलेंसिंग ऑर्गन है दिस इज इंपॉर्टेंट दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेटोसिस्ट सिंपलाइज कंपाउंडाइज दोनों प्रेजेंट हैं याद रहेगा जी ठीक है चलो आगे बढ़ सकते हैं

के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से है ठीक है इसके अलावा ग्लैंड भी होती है स्कॉर्पियंस में अगर हमें पूछा जाए कि स्कॉर्पियंस में क्या है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कॉक्सल ग्लैंड अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि प्रॉन में प्रॉन के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या में प्रॉन एक क्रस्टेशियन है ना आर्थ्रोपोडा में भी आते हैं प्रॉन के केस में जो है कौन सा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रॉन इज अ क्रस्टेशियन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बताएगा कोई जल्दी से कमॉन प्रॉन के केस में क्या है शिवा ने क्या कहा है मेलपिघियन ट्यूबुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डॉक्टर martingale ने लिख के भेजा हुआ है ग्रीन ग्लैंड्स एंटीनरी ग्लैंड्स राइट राइट इसके केस में होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स जिनको की एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स याद रहेगा क्लियर जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है जल्दी से लाइक का बटन दबाइए सेशन पसंद आ रहा है तो यू मस्ट लाइक इट Arthropods जो है वो डायोशियस uh, होते हैं डायोशियस मीन यूनिसेक्शुअल मतलब मेल और फीमेल हैं और कई केसेस में आप देख करके भी पहचान सकते हैं कि भाई ये मेल इंसेक्ट है या ये फीमेल इंसेक्ट है डायोशियस है मेल अलग है फीमेल अलग है तो इसका मतलब है कि भाई फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा मेल डिपॉजिट द स्पर्म्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कुछ आर्थ्रोपोड ओवी पैरस हैं

ग्रेट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट है कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है है ना जहां पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं कई तरह के लार्वे हो सकते हैं कैटरपिलर लार्वा आपने सुना होगा मैगट मैगट इज द लार्वा ऑफ बताओ मुझे मैगट किसका लार्वा हाउस फ्लाई का मैगट लार्वा मैगट इज लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कैटरपिलर लार्वा आपने पढ़ा हुआ है ना ग्रब ग्रब इज द लार्वा ऑफ बीटल्स ओके राइट चलो आगे बढ़ू एग्जाम्पल्स वैसे तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम है इसकी इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम फोकस करते हैं कि जो एन सी आर टी ने मैंशन करी हुई हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं भाई उनसे कोई ना कोई हो सकता है हमें कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलता हो कोई फ़ायदे वाली चीज़ मिलती है जैसे मधुमक्खी हो गई भाई एपिस मधुमक्खी की ना कितनी सारी स्पीशीज होती हैं आपको मैं एक दो बता देता हूँ वन इज़ एपिस इंडिका एपिस इंडिका एपिस फ्लोरिया एपिस तो चलो एपिस इंडिका याद रख लेते हैं और ये नेम है और के इसे कर देते हैं। हनी भी मधुमक्खी शहद मिलता है भी भी मिलता है, वैक्स भी मिलती है। मिलती मधुमक्खियां जो है वो पॉलिनेशन भी कराती हैं। मोराई पूरा नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई सिल्क मिलती है इससे लेसिफर लाका इस लैक इंसेक्ट है लाक समझते हैं लाक से चूड़ियां भी बनाई जाती हैं लैक इंसेक्ट इज लेसिफर लाका ओके ये देख लीजिए बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वॉम और सिल्क से तो कपड़ा बनता है साड़ियां बनती हैं बहुत महंगी होती हैं हनी बी से आपको शहद मिल रहा है और इसके अलावा आपको बी भी मिलती है लेसिफर लाका ये इस एनिमल से लाख मिलती है लाख जैसे कह देते हैं लाख से चूड़ियां भी बनाई जाती है कुछ आर्थ बीमारियां भी फैलाते हैं वो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स हैं मींस वो जरिया बनते हैं एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनते हैं बीमारियां फैलाने के लिए जैसे मच्छर हो गए मच्छर मक्खियां ये बीमारियां फैलाती हैं मच्छर कौन कौन से जी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया एनोफिलीज क्यूलेक्स एडीज ये अलग अलग जीनस है ना क्यूलेक्स एंड एडीज एडिस मच्छर क्या क्या फैलाता है क्या आप मुझे बता सकते हैं डेंगू ओके डेंगू भी कह देते हैं येलो फीवर ओके चिकुनगुन्या इज अ तंजानियन वर्ड पेशेंट लाइज फोल्डेड अप इतना ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है कि बंडल अप हो जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो एलिफेट जिसको फिलेरियसिसम बताया था ना वो चलेरिया उसको हाथी भी जिसे कह देते हैं एनोफिलीज क्या फैलाता है ये तो आपको पता ही है जया मलेरिया आपको ये बात पता है ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट फीमेल मॉस्किटोज है डू नॉट बाइट मेल मॉस्किटोज प्लांट जूसेस याद रखिएगा, ठीक है मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं आपको ये रीजन पता है हमारे शरीर का जो गर्म तापमान है इसके कारण इसके अलावा द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्ल आउट इन आर ब्रेथ

ओके okay जी सतीश यदुवंशी कह रहे हैं सर क्यूलेक्स एलिफेंट होता है हाँ ये बात मैंने बता दी आपको अनुराधा ने कहा कि मैंने लोकस्ट देखे हैं जया ने भी देखे हुए हैं भव्य पालीवाल आपने देखे हैं क्या लोकस्ट टिड्डी दल जैसे कहते हैं एकता लाल वाणी देखा कई बार होता है आप देखते होंगे न्यूज में टीवी में सोशल मीडिया पे दिखाते हैं भाई टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और उसके बाद फिर जो है वो थालियां बजाते हैं शोर मचाते हैं ढोल बजाते हैं ताकि उन्हें भगा दिया जाए चलो आगे बढ़ते हैं

अनुराधा कह रही कि मैंने साउथ इंडियन मूवी में देखा है टिड्डी दल कौन सी मूवी में देखा था याद है प्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको तितली दिख रही है बटरफ्लाई अच्छा आपको पता बटर्फ्लाई बटर्फ्लाई है बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों कहते हैं इसमें मक्खन वाली बात क्या वी कॉल इट एज बटरफ्लाई कोई बता सकता है मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं जी आपके सामने बायो की रणनीति की यही खास बात है कि थ्योरी के साथ साथ हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आर्थ्रोपोर्ट्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जरूर लिख करके भेजिएगा पहला ऑप्शन है गिल्स, गिल्स सेकंड है है बुक, गिल्स बुक, एंड लंग्स, थर्ड ट्रेकिल सिस्टम एंड डी इज ऑल ऑफ दी अब शिवा जवाब दो जल्दी से सोनम सोनम आज आपने हमारा जो मेंटल हेल्थ वाला सेशन था उसमें एक सवाल भी पूछा था मैंने आपके सवाल का जवाब भी डॉक्टर रोहन से मांगा था जिन लोगों ने आज का सेशन नहीं देखा है आज हमने डॉक्टर रोहन जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं उनके साथ एक लाइव सेशन करा है यूट्यूब पे जो लाइव नहीं अटेंड कर पाए थे वो आप जरूर देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा डी डी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने आप के केस में ये सारे ही उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं क्वेश्चन नंबर टू स्टेटोसिस्ट आर डैश एंड देर फाउंड इन डैश स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं और स्टेटोसिस्ट कहां पाए जाते हैं यह बैलेंसिंग ऑर्गन पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड में क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ए ऑप्शन आर यू इन ज्वाइंग द सेशन चैट बॉक्स में कभी फ्लावर्स कुछ भेज दिया करो थोड़ा खुशबूदार माहौल बना दिया करो थोड़ा सा कलरफुल भी दिखना चाहिए चैट बॉक्स अदरवाइज आपके मैसेजेस कभी कभी तो आपको भी लगता होगा ना फिर मोनोटनस हो जाते हैं थोड़े बोरिंग भी हो जाते हैं जोशी साहब क्लियर है अनुराधा चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन एकता सुधीर ध्यान दो नॉट अ सेंसरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स सिंपल आईज, आईज, कंपाउंड इनमें से कौन से जो हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं है जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के भेजना थैंक यू सो मच जी सतेंद्र सबने प्यारे प्यारे जो है फूल पत्तियां ढेर सारी मुझे भेज दी हैं थैंक्स अलॉट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर तथागत क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के भेजा करो तभी पता चलेगा कि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं मैलपिघियन टिब्यूल्स जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं है मैलपिघियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने फिनिश करा सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद व्हिच फाइलम

केमिकल है जो डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए बार बार मैं आंखें ओके, फ़ाइलम मोलस्का। नेक्स्ट फ़ाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं, है. जो है इनका शरीर, है, शेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता जब शेल प्रेजेंट होता है तो वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एक ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और लार्जेस्ट फाइलम कौन था आर्थ्रोपोडा ठीक है सुधीर तो ये कौन सा हो गया ज़मीन पे भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल और पानी में भी हो सकते हैं यानी एक्वेटिक पानी में मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं आपने पायला देखा है स्नेल देखा होगा आपने है ना घोंगा भी कह देते पानी में भी रह लेता है और वो जमीन पे भी रह लेता है ओके दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है हैबिटेट का अगर मैं जिक्र करू तो ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों है फ्रेश वॉटर में मसल एग्जाम्पल ले ली

राइट नियोपाइलिना इज द ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क नियोपाइलिना को कनेक्टिंग लिंक भी कह देते हैं एनेलिडा और मोलस्का के बीच में लिविंग फॉसिल भी कह देते हैं नियोपाइलिना ठीक है ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क सिमेट्री बायलेट्रल है लेकिन कुछ मॉलस्क ऐसे हैं जिनका शरीर ए सिमेट्रिकल हो जाता है मॉलस्क फाइलम की अलग अलग क्लासेस हैं वो तो आपको नहीं पढ़नी गैस्ट्रोपोडा स्केफोपोडा पेलिसिपोडा है ना तो ये नहीं करनी है जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है जिसमें स्नेल्स आते हैं पे ना टॉर्शन होता है रोटेट हो जाते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलपमेंट के टाइम पे तो उनमें बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है लेकिन इन जनरल ज्यादातर मॉलस्क जो है इट इज बाइलेट्रल सिमेट्री ठीक है द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हावस ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है तीन जर्म लेयर से शरीर बन रहा है इससे नीचे हमने प्लेटियल मिंथस एशल मिंथस एनेलेडा आर्थ्रोपोडा सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक देखे हैं सिलोम यहां भी प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स एनेलेडा ऑनवर्ड्स अब आपको सिलोम देखने को मिलेगा बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल शरीर को कवर करता है और शेल को कौन सिक्रीट करता है शेल को सिक्रीट करता है मेंटल मेंटल के बारे में अभी हम जानेंगे थिक एंड स्पॉन्जी उसे हम मेंटल कह देते हैं शरीर इनका अनसेगमेंटेड है लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बता दिया नियोपाइलिना लिविंग फॉसिल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एन एंड मॉलस्क ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क मॉलस्क का शरीर डिविजिबल है इनटू हेड मस्कुलर फुट विसरल हंप और इसके अलावा मेंटल भी मस्कुलर फुट होता है फुट इज हाइली मस्कुलर इट इज यूज़ फॉर स्विमिंग डिगिंग क्रॉलिंग कई सारे काम जो है फुट करता है क्लियर है अ सॉफ्ट एंड स्पोंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हंप अ सॉफ्ट एंड स्पोंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर द विसरल हंप विसरल हंप दिखा आपको ये ये विसरा इज रेफरिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स

इट इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी और इसके अंदर फेदर प्रेजेंट -like होते हैं इन -like फंक्शन -like well ध्यान रखियेगा की फेदर लाइक गिल्स टेनिडिया जो है बड़ी थिन होती है गैस एक्सचेंज के लिए भी काम आती है दे आर रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन याद रहेगा सबको वेरी गुड चलिए आगे बढ़ सकते हैं ये गिल्स दिखाई गई हैं यहां पे ये लिखा है जी द गिल्स आर रेस्पिरेट्री एंड एक्सक्रीटरी किन के बारे में गिल्स टेनिडिया टेनिडिया द एंटीरियर हेड रीजन है टेंटिकल्स इसके अलावा इनमें एक रेडुला नाम का स्ट्रक्चर होता है एनसीआरटी ने रेडुला मेंशन करा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेडुला इज अ यूनिक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी आर ए डी यू एल एम सॉरी रेडुला आर ए डी यू एल ए रेडुला मोलस्का फाइलम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला रेस्पिंग के लिए ऐसे कुरेद कुरेद के उधेड़ उधेड़ के अपने भोजन को जो है वो काट देता है देख लीजिए कैसे पाइला जो है वो फीड ये स्लग्स हैं आप पढ़ेंगे इसमें सी स्लग्स भी आती हैं स्नेल्स आते हैं ओके okay, <coughs> जब भी मैं ऐसे करूं इट मींस प्रेस द लाइक बटन आगे बढ़ सकते हैं बताइए चैट बॉक्स में हां जी अंबुज यू आर एन्जॉयिंग द सेशन कैन आई मूव फॉरवर्ड्स मॉलस्क जो हैं वो भी आर्थ्रोपोड्स की तरह डायोशियस हैं मेल और फीमेल अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ओवी पैरस हैं ये फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज करते हैं लार्वल स्टेजेस इनमें प्रेजेंट है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट ओके लार्वे के नाम आपको नहीं पढ़ने हैं ग्लोकिडियम लार्वा होता है इनमें तो बट यू नीड नॉट टू डू द नेम जो पिक्चर्स दो फोटोग्राफ्स जो है मारतंड हैं आलोक बेटा एनसीआरटी में एक तो पायला की है पायला ग्लोबोसा एप्पल स्नेल कहते हैं और एक ऑक्टोपस दिखाया गया ऑक्टोपस डेवल फिश होता है ऑक्टोपस का सलाइवा जो है वो पॉइजनस होता है एंड ऑक्टोपस uh, में कितने दिल होते हैं आपको ये बात पता है ऑक्टोपस के हार्ट कितने होते हैं ऑक्टा वर्ड रेफरिंग टू तो, जो इसकी Arms है, ऑक्टोपस और इसमें इंक ग्लैंड करता है पानी में। so, आप देख पा रहे हैं, स्नेल जो है, है मोलस्का की पायला ठीक है नाम याद रखना अब ये लिख लिख करके याद होंगे मोलस्का में काफी सारी एग्जाम्पल्स दे दी है हालांकि इतनी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं थी पता नहीं एनसीआरटी ने ऐसा क्यों करा पिंक टाडा पर्ल ऑस्टर सीप, जो मोती बनाती है दिंक टाडा पर्ल इज ऑफ इंजरी टू पर्ल कल्चर भी किया जाता है सीपिया, सीपिया कटल फिश, फिश, देखो, के नाम में डेवल फिश है पर ये कोई फिश नहीं है ध्यान रखना मॉलस्क एपलाइसियारगोश जैसा लगता है डेंटेलियम टेल एलिफेंट टस्क शेल भी कहते हैं चीटोल्यूरा यानी काइटन नो, सीपिया जो है इसमें इंटरनल शेल होता है याद रखिएगा इंटरनल शेल ऑफ सीपिया दिस इंटरनल शेल ऑफ सीपिया इट इज आल्सो कॉल्ड सी फोम। ओके राइट चलो एग्जांपल्स याद हो जाएंगी हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी लर्न दीज एग्जाम्पल्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट करती हैं जो ये एनिमल किंगडम के जुआलॉजिकल नाम है ये याद नहीं रहते बंदा भूल जाता है बार बार बट आई एम टेलिंग यू जितने एनसीआरटी में मैंशन है ये अपने दिमाग में जरूर बिठाओ स्नेल ऑक्टोपस सीपिया कॉमन है जो जाइंट स्क्विड होती है ना वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है आप देखिएगा कहीं आ, सोशल मीडिया पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाइंट स्क्विड के बारे में बहुत बड़ी होती है कहीं तो इतनी बड़ी बड़ी है शिप को भी पलट देती है जाइंट स्क्विड इट इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट बिल्कुल सही डॉक्टर मार्टन ने कहा जाइंट स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है ये देखिए जी पायला दैट इज एप्पल स्नेल ये रहा ऑक्टोपस ये रही सीपिया यानी कटल फिश ये रही लॉलीगो यानी सी स्क्वेड ओके ना एप्लाइसिया सी हेयर चीटोल्यूरा काइटन डेंटेलियम इट इज एलिफेंट टस्क शेल सबकी तस्वीरें भी मैंने दिखा दी नाम तो आप ही को याद करने पड़ेंगे लिख लिख के याद करो एक तरफ जोजिकल नेम उसके सामने उसका कॉमन नेम है ना तभी आप याद कर पाओगे चलो आगे बढ़े ऑक्टोपस में तीन दिल होते हैं और मॉलस्क के केस में जो आ, ब्लड है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ब्लड क्यों कहते हैं ब्लू ब्लड डू यू नो व्हाई मोलस्क आर सेड टू हैव ब्लू ब्लड कोई मुझे कारण बता सकता है मोलस्क के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनमें नीले रंग का खून होता है कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू वी से दैट दैट मोलस्क हैव ब्लू ब्लड इसका कोई कारण है कौन सी पिगमेंट होती है बताइए मुझे जया सोनम धाकड़ तुम्हारा मेंटल हेल्थ वाकई ठीक है कि नहीं बार बार एक ही बात मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे आ, और वो मैसेज आ रहा है मेंटल हेल्थ बाले सेशन में मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर है करोड़ बार तुमने ये बात लिख के भेजी वाकई ही तुम्हें मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है जो एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे तो दिया था अब यहाँ पे पूछ के दोबारा क्या जरूरत है उसकी कोई प्रचार चाहिए अपना बिल्कुल आप सही करा गया है टाइम आउट कर दीजिए बिकॉज वो एक ही सवाल बार बार सो तो मतलब दिस इज रियली इरिटेटिंग हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हेमोसायनिन हेमोसायनिन दैट इज द पिगमेंट विच गिव्स द ब्लड ब्लू कलर ओके ये लिखा है हेमोसायनिन प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन नहीं है चलिए जी अब आ गया क्वेश्चन टाइम लोकोमोशन इन मॉलस्क इज एडेड बाय जल्दी से बॉलस्क्स में लोकोमोशन कैसे होता है समीर सिंगल सिंह कहने एक बार बता दो अगर तुम वो सोनम वाले क्वेश्चन की बात करें तो ऑलरेडी आंसर दे दिया था वहां पे उनको यहां प्रचार चाहिए अपना कि जो वहां पूछा था उस मेंटल हेल्थ वाले सेशन में वो यहां भी बताओ हमें हमें मशहूर कर दीजिए रातों रात ऑल इंडिया स्टार बना दीजिए हमें बिग बॉस में इनको निमंत्रण दे दिया जाएगा फिर ये ऐसे स्टार बन जाएंगे यहां पे चलिए बढ़े आगे वह

दे हैव रेडियल सिमेट्री लेकिन जो लार्वे होते हैं ना फाइलम है? में नाविट्रीडियलीरिया ब्रैक्योलेरिया ऑफियोप्लूटियस इकनोप्लूटियस पेंटाक्राइनोइड लार्वा डोलियोलेरिया लार्वा, लार्वा नाम याद नहीं करने आप में से कुछ शैतान बच्चे जो हैं उनको जरूर पता होंगे

सीलोम प्रेजेंट है बिल्कुल जी ये सीलोमेट एनिमल्स हैं अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर देयर माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड देयर एनस इज ऑन द डोर्सल साइड राइट एनस इज ऑन द डोर्सल साइड ये बात इंपॉर्टेंट है माउथ वेंट्रल डोर्सल स्पेशलाइज्ड नहीं एनस इज डॉर्सल स्पेशन एक्सक्रीशन के लिए थिन वॉल ऑफ द ट्यूब फीट है जिसके जरिए ये सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं सो प्लीज रिमेंबर अबाउट दिस पॉइंट दैट माउथ इज वेंट्रल एंड एनस डोर्सल इन पोजिशन ओके अब इस फाइलम का एक बड़ा ही खास फीचर है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्पॉन्जेस के केस में वाटर कैनाल सिस्टम था कंफ्यूज मत होना वाटर कैनाल सिस्टम या सिंपली कैनाल सिस्टम या एक्वीफेरस सिस्टम जो लाइफलाइन ऑफ स्पॉन्जेस था यहां पे वाटर वेस्कुलर है ये लोकोमोशन फूड कैप्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और गैस एक्सचेंज में ये मदद करता है इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के वो आप मत याद रखिएगा कि भाई मेड्रीपोराइट प्रेजेंट है स्टोन कैनाल है रिंग कैनाल है रेडियल कैनाल्स हैं बस ये ट्यूब फीट वाली चीज़ याद रखना ये लोकोमोशन में भी मदद करती है स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नहीं होते ये बात ये बात जो है इंपॉर्टेंट है मेल फीमेल अलग है यानी सेक्सेस सेपरेट है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड uh, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं ओके भाविक खतरी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है <laughs> भाविक खतरी ये भी तो बात देखो ना कि अगर बेअकल बच्चे नहीं होंगे तो अकल वालों की तारीफ कैसे होगी मैं तो हमेशा ही कहता हूं वेरिएशन एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन एंड दीज वेड द रॉ मटीरियल फॉर रवोल्यूशन सारे के सारे एक जैसे इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो फिर फिर हम भी आपकी तारीफ कैसे करेंगे बेवकूफ़ होने तो जरूरी है

स्टारफिश होती है एस्टीरिया एक्सलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन स्टारफिश इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री स्टारफिश को आप जो है काट दीजिए इट कैन रीजनरेट द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन आर्म एंड सेंट्रल फ्रॉमस इकाइनस एंटीडोन सी लिली कुकुमेरिया होता है सी कुकंबर एंड ऑफ्यूरा होता है ब्रिटल स्टार सो ये सारी याद करनी पड़ेगी भाई कॉमन नेम एज वेल एज जुओलॉजिकल नेम राइट right? याद हो जाएंगी प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल याद होंगी ये रही स्टारिच इज एस्टीरिया ऑफ ऑफ्यूरा विच इज ब्रिटल स्टार और ये है जी एंटीडन विच इज सी लिली दिस इज सी अर्चिन एंड दिस इज सी सी कोकम्बर शोज ई विसरेशन सो दैट इज एवर्टिंग आउट ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द एनस फॉर सेल्फ डिफेंस अपने शरीर के अंगों को ये बाहर निकाल देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सवाल आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर सिक्स है तैयार हो जाइए जी जल्दी से ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ फ़ाइलम का सबसे विशेष कैरेक्टर क्या है कैनाल सिस्टम नहीं वो तो फ़ाइलम में है वाटर वेस्कुलर सिस्टम राइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वही है

इट द एडल्टाइनोडम्स दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड द लार वे आर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल बिल्कुल सही कहा आपने चलिए इकानोडमेटम इतना ही ओवर कंप्लीट अब एक फाइल और आ जाता है नॉन कॉडेट्स केस में दैट इज है पहले ऐसा माना जाता था कि भाई हेमिकॉडाटा जो है वो तो कॉडाटा में है उसको कॉडाटा में रखा गया था धीरे 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 और एडवांसमेंट्स होती गई तो हमें पता चला कि नहीं भाई ये जो हैमिकॉडाटा है इसको कॉडाटा में मत रखिए सो इट हैज बिन मूव्ड आउट ऑफ कॉडेट्स एंड हैमिकॉडाटा अब अलग से एक फाइलम हमने बना दिया है नॉन कॉडेट्स के साथ टा बट नाउ इट इज प्लेसड एजरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी कि हेमी कॉर्डेट्स में एक र्यूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है उनके कॉलर रीजन में डेट इज कॉल्ड स्टोमो एंड इट इज सिमिलर टू नोटोकॉड कॉर्डेट्स में नोटो एक फीचर है स्टेफ्रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइड फ्रॉम मीजोडम एंड प्रोवाइडरलोर्ट वो कॉर्डेट्स का फीचर है

एक्सक्रीशन के लिए इनका ये प्रोबोसिस ग्लैंड है ये भी ध्यान रखिएगा आज मैंने आपको ग्रीन ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड भी बताया मेल पिघन टिब्यूल बताए के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आकर के एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड नाम का स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है सेक्सेस सेपरेट है मेल और फीमेल अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और लार्वल स्टेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेक्सेस सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट एग्जाम्पल बेलैनोग्लॉसस इसको न ऑक्स टंग भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टंग वर्म, ऑक्स टंग और टंग वर्म, बेलैनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस दो एग्जाम्पल्स हैं एनसीआरटी का डायग्राम भी याद रखना हाँ जया पटेल ने सही कहा वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट जया जरा ध्यान देना वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें होता है या है और दूसरे जो एसिडियंस हैं उनमें होता है आप यहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स का जिक्र कर रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा क्या आप यूरोकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं बेलैनोग्लॉसिस सेकोग्लॉसिस क्लियर है जी चलिए

ठीक है जी सेकोग्लॉसस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट आंसर आ गया चलो अब मैं आपको बता दूं यहां पे हमने आपके लिए समरी जो है वो भी दी है लेकिन ये समरी आप खुद पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे हम आपको इस पूरे सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे कहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप बायो की रणनीति ओके सो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने आपके लिए एक स्मार्ट प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसमें आपको ढेर सारे वीडियोस के लिंक एनोटेटेड सेशन नोट्स यानी पीडीएफ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आंसर सब मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो वहां पे एक लिंक मिलेगा लिंक को क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है आकाश बाइजूज की ये ऐप आप, आप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा 14 डेज का हम आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं. ब्यूटीफुल डायग्राम्स वंडरफुल एनिमेशन हर तरह के सवाल बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन इंडिया का एक बेहतरीन स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जिसके जरिए आपको मिलती है अप टू हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप नासा जाने का सुनहरा अवसर कैश प्राइजेस मॉक टेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप एंथे के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ये कंप्लीट टीम है जी आकाश बाइजूस की जो आपके लिए दिन रात प्रयास कर रही है आपको गाइड कर रही है ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सके ओके स्टूडेंट्स का सर्वे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम आपका फीडबैक जानना चाहते हैं आप किस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहेंगे तो आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आप अपना फीडबैक जो है हमारे लिए सबमिट कर सकते हैं ग्रेट वंडरफुल जीरो आईक्यू कह रहे हैं आपका व्यवहार देख करके वायरस की याद आ गई बिल्कुल जीरो आईक्यू बेटा आपको तो सख्त जरूरत है इस चीज की है ना और हमारी तरफ से पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके लिए कि जो आपने अपनी आईडी बनाई है आपको वो चीज जीवन में जरूर प्राप्त हो गॉड ब्लेस यू ओके देन ये भी हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नीट आकाश डिजिटल लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल जिन्होंने जीवन में कुछ सीखना है जिन्होंने पढ़ना है पढ़ने वाले तो पत्थर से भी पढ़ लेते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ना है उनके ब्रेन की सर्जरी करके भी चीजें अंदर डाल दीजिए वो उल्टी करके उसे बाहर निकाल देंगे जैसे कि आज एग्जाम्पल आपको आज के सेशन में जीरो आई की देखने की मिली अगले सेशन में जरूर आइएगा मिस्टर जीरो आई राइट गॉड ब्लेस यू ऑल बाय